वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मल लोड कैसे असाइन करते हैं। इसको मैं कर दूंगा शो अनडिफॉर्म शेप और मैं सीधा चलूंगा टेरेस फ्लोर के ऊपर। देखो, अभी यहाँ पे वन स्टोरी ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं कॉलम जो है, कॉलम और वॉल ये अनडिस्प्ले कर देता हूँ। देखो, अभी यहाँ पे जो है ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे असाइन करने हैं पहले तो शेल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टेम्परेचर लोड असाइन करना है। तो ये मैं, ये अंदर वाला है इसलिए ये मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरे फिलहाल अभी यहाँ पे शेल भी सिलेक्ट है और फ्रेम भी सिलेक्ट है, तो मुझे सिर्फ शेल सिलेक्ट करने हैं, फ्रेम सिलेक्ट नहीं करने हैं। मगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, शेल सिलेक्ट है और फ्रेम भी सिलेक्ट है तो भी वो, अगर हम शेल लोड असाइन करेंगे तो वो सिर्फ शेल को ही असाइन करेगा, वो फ्रेम को असाइन नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे असाइन फ्रेम लोड्स और यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेम्परेचर और यहाँ पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे देखो कैसा करना है, मैक्सिमम डे टेम्परेचर माइनस मिनिमम नाइट टेम्परेचर। तो समझो 40 डिग्री जो है वो हमारा मैक्सिमम डे टेम्परेचर है और माइनस 20 डिग्री जो है वो हमारा नाइट का टेम्परेचर है। तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो ये टेम्परेचर लोड हमने अप्लाई कर देना है। देखो ये स्लैब के ऊपर अप्लाई हो गया, चारों कॉर्नर जो है स्लैब की उसके ऊपर वो शो करता है। अभी सेम वैसा ही फिर से सिलेक्ट कर लेना है और जाना है फ्रेम लोड टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 20 डिग्री, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 अप्लाई। देखो ये शेल के ऊपर भी जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है यहाँ पे वो शो करता है। ठीक हो गया, ये इस तरह से टेम्परेचर लोड असाइन करते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम और ये शो कर दूंगा। अभी लाइव लोड रिडक्शन फैक्टर है वो सेट करेंगे। ये एक्चुअली डिज़ाइन ऑप्शन से होता है लाइव लोड रिडक्शन फैक्टर। यहाँ पे सिर्फ हमारा इंडियन कोड डालना है। यूज़ डिफ़ॉल्ट मिनिमम फैक्टर, ये सिर्फ सिलेक्ट करना है बस और ओके कर देना है। बस ये हो गया, बस इतना ही करना है लाइव लोड रिडक्शन फैक्टर के लिए। ये हो गया। अभी देखो हमारा ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री के बाद लोड भी, लोड पैटर्न असाइन हो गए और लोड भी असाइन हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम और टाइम हिस्ट्री फंक्शन। तो टाइम हिस्ट्री फंक्शन जनरली यूज़ नहीं करते, सिर्फ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ही, यानी कि इन दोनों में से एक ही करते हैं। तो टाइम हिस्ट्री फंक्शन इज अ एडवांस मेथड एंड उस मेथड में जो है वो एक्चुअल जो है टाइम के हिसाब से जो एक्चुअल वाइब्रेशन हुए हैं, एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो एग्जिस्टिंग डाटा के ऊपर से वो टाइम हिस्ट्री फंक्शन डिफाइन किया जाता है। बट वो हमें ये फंक्शन डिफाइन नहीं करना है क्योंकि जनरली बिल्डिंग में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फंक्शन यानी कि जनरल फंक्शन जो है वही डिफाइन करते हैं। टाइम हिस्ट्री फंक्शन जो है वो अगर किसी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक के लिए हमने वो बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तभी ये टाइम हिस्ट्री फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो है हमारे स्टैटिक एनालिसिस जो है
वो स्टैटिक एनालिसिस का पार्ट यहाँ तक आता है। स्टैटिक एनालिसिस जो है वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, ये जो सिस्मिक लोड है, विंड लोड है, ये जो है ये स्टैटिक में आते हैं सिस्मिक लोड, और डायनेमिक में आता है आरएस, मतलब रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ये डायनेमिक में आता है। और ये जो है यहाँ पे आपका क्लियर होगा, लोड केसेस जो है वो यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों भी लोड केसेस जो है ये वो यहाँ पे पता चलती है हमें, तो वो देखेंगे अगले वीडियो में।